हर कमेंट में पूछते हैं कि कौन सा रॉड खेलते हैं कौन सा। तो ये डेडली हंट रॉड है, अभी ये न्यू वेरिएंट में आया है, उससे भी खतरनाक है। डेडली हंट बेहतरीन रॉड, डेडली हंट बेहतरीन रॉड, अल्हम्दुलिल्लाह डेडली हंट रॉड है ये बेहतरीन रॉड की, देखो काबिले तारीफ रॉड है, और ये है रॉड डेडली हंट, सुभान अल्लाह। दोस्तों अर्जेंट में आना पड़ा गैलेक्सी में, गैलेक्सी फिशिंग टैकल स्टोर अमरावती में जो न्यू ओपन है। फरहान भाई आपको हमेशा अवेलेबल मिलेंगे जहाँ गैलेक्सी में, और अभी पूरा काम चालू ही है धीरे धीरे, और पंखा भी नहीं लगा, पसीना इतना है, गर्मी बहुत है। अचानक फरहान भाई ने कॉल किया कि पूरा स्टॉक आ चुका है, अपने को बताना है। पूरी मार्केट में हलचल थी डेडली हैंड रॉड लेके। फरहान भाई एक्चुअली पहले निकाल चुके हैं, चेक कर चुके हैं, और इनका भी वीडियो आपको गैलेक्सी में देखने को मिल जाएगा, गैलेक्सी जो चैनल है यूट्यूब में। अभी इस बार बहुत सारा चेंजिंग आया है रॉड में, तो देखेंगे इसमें क्या क्या चेंज आया। सबसे पहले मैं लूँगा जो हमेशा खेलता हूँ 6.6 में, मैं खेलता हूँ हमेशा, मेरा एकदम फेवरेट है। अब इसमें देखेंगे चेंजिंग क्या हुआ है। पिछले बार थोड़ी बहुत कमी थी बैट कास्टिंग में, तो कुछ भी नहीं थी, स्पिनिंग में थी, और स्पिनिंग में पहुँचेंगे अभी। सबसे पहले मैं ये देखता हूँ फील का कि कैसा है। ये हैवी है ना, मैं हमेशा मीडियम हैवी से खेलता हूँ। इसमें दो टिप आते हैं, मीडियम हैवी और हैवी एक्शन, मीडियम हैवी। अच्छा ये हैवी लगा यार, मतलब अभी यार मजबूत किया इन्होंने, अभी क्या किए देखता हूँ, क्योंकि मीडियम हैवी जो था वो हैवी लग रहा है मुझे। वो जो आप पुराना वाला देखेंगे वो थोड़ा फ्लेक्सीबल था, वो चेंजिंग है, काफ़ी चेंजिंग है। अभी देखेंगे इसमें क्या चेंज है, क्योंकि वो मेरा फेवरेट रॉड रहा। ये थोड़ा सा थिकनेस बढ़ाया इसमें, मोटाई बढ़ाया इसमें, और 24 टन ग्रेफाइट, यानी कि जो हाँ ग्रेफाइट बढ़ गया है 24 टन ग्रेफाइट बोले तो, इतनी 24 टन प्रेशर दिया जाता है जो धातु रहता पदार्थ अपना कार्बन फाइबर का, उसमें उतना प्रेशर दिया जाता है। इसके लिए इसमें मार्क करके भेजा 24 टन ग्राफाइट, यानी कि उतना प्रेशर से दिया जाता है, यानी मजबूती वो हिसाब से है। और जाड़ा हो गया जो हिसाब से बोल रहा हूँ रॉड, मेरे को तो ज़्यादा फ्लेक्सिबल पसंद था, लेकिन ज़्यादातर लोगों को मजबूत चाहिए, तो मजबूत करने के लिए थोड़ा हैवी करना पड़ता है, तो वो है, वो पुराना वाला भी बताऊँगा। और इसमें सबसे पहली बात है ये जो है के गाइड हो गया, सिंगल लेग आता था ऐसा पहले, उसको अगर ऐसा करेंगे तो वो मुड़ भी सकता था, लेकिन ये के गाइड में है, काफ़ी मजबूती आ चुका है। ग्लू वो सिंगल था, इसमें डबल है, यानी के गाइड लगाने के कारण, तो इसके लिए बहुत खास दिख रहा है अभी रॉड, गजब का रॉड का वेट 10-15 ग्राम बढ़ चुका है अपग्रेड के कारण, 10-15 ग्राम रॉड का वेट बढ़ चुका है, फिर भी बहुत ही लाइट वेट है, बहुत ही। अब मेरा तो मैं बोलता हूँ मैं हमेशा इससे ही खेलता हूँ, 6.6 है, और आपके लिए एक नया प्रोडक्ट फिशाहोलिक का। अब इसमें जाएंगे, पहले ये चीज़ देख लेते हैं, क्योंकि ये मार्केट में बहुत ही हलचल था, और बहुत दिनों से लोग हर वीडियो में कमेंट करते थे कि आप जो रॉड से खेल रहे हैं वो कब आएगा, क्योंकि इस रॉड का यार क्रेजी अलग है मार्केट में। टेस्टिंग सबसे पहली बात है कि ये टेस्टिंग में पास हुआ है, अहमद भाई ने अभी इसका टेस्टिंग किया नए वाले का, लेकिन पुराने वाले से ये अपग्रेड आया है, 2 किलो डेड लिफ्ट इसमें बढ़ा दिया गया है। तो मैं पुराने वाले का बात करूँ तो उसमें काफ़ी अनुभव शिकारी जो हमारे ताज भाई है और भी बहुत सारे एंगलर है जो हमारे कांटेक्ट में है, उन्होंने टेस्ट किया और रिव्यू दिया, बहुत ही गजब का है, मैं उनका भी क्लिप दिखाना चाहूँगा। ये देखिए भाई डेडली हंट 210 और बेहतरीन राड, और ये राड पे आप लोगों की दुआओं से माशाल्लाह ताज भाई डेडली हंट फिशिंग रॉड बेहतरीन, उसका नतीजा ये आप लोगों के सामने है, एक नंबर रॉड है। मैं तो मेरे तरफ से एक नंबर रिव्यू देता हूँ ये रॉड को, डेडली हंट बेहतरीन, एक देखो माशाल्लाह बेहतरीन रॉड अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए भाई शांगिर भाई का साइज माशाल्लाह तबारक, डेडली हंट रॉड है ये बेहतरीन रॉड की, देखो काबिले तारीफ रॉड है, साइज माशाल्लाह ये देखो, और ये है रॉड डेडली हंट किंग समर किंग, भाई जिंदा है सुभान अल्लाह, कुछ हो गया गेम जुमेरात के दिन अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए भाई सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन रॉड, और ये देखो ये बेहतरीन संवल, साइज देखो साइज सुभान अल्लाह, ये देखो भाई साइज देखो
माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि आप अगर किसी को डेडलिफ्ट करते हुए देख रहे हो, 6 किलो 7 किलो उठा रहे, उसका मतलब क्या रहता है कि रॉड पता चलता है कि पोकल नहीं है रॉड, यानी एकदम से कमजोर नहीं है ये रॉड, मतलब 6 kg तक उठा सकता है। तो ये सोच के चलो, वो हिसाब से अंदाजा लगाओ, ये नहीं कि आप उठा के फेंको, आप जैसा फिशिंग कर देना, फिशिंग का जो रूल है उसी तरह से करो। आपको बताने के लिए हम डेडली फिश इसलिए करते हैं कि रॉड हल्का फुल्का है नहीं, मजबूत है। आपको आप वैसे खेले जैसे खेलते हैं, आप बिल्कुल खेल के किनारे पे लाइए, टेक्निक्स यूज करो, सेम टेक्निक्स यूज करो, मैं जैसा कास्ट करता हूँ वैसा करो, और जो मच्छी लगे बाद आप पेशेंस रख के उसका मजा लो, फील लो, और इत्मीनान से उठाओ, और जैसा लैंडिंग करना चाहिए आप वैसा कर सकते हो, उसके लिए लैंडिंग नेट भी रख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वैसा कीजिए। तो आप मच्छी लगे बाद सबसे पहले पेशेंस रखे, बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें भी बताना है मुझे कि रॉड अवेलेबल हो चुका है, ये मेरा सबसे फेवरेट था, ये 6.6, ये 7 फीट में है बेट कास्टिंग, और ये 8 फीट में है फरहान में, ये 8 फीट में है। तो बेट कास्टिंग में 6.6, 7, 8, और स्पिनिंग में देखेंगे, ये स्पिनिंग का बदलाव देखते हैं, सबसे पहले इसका फील लेते हैं। ये हैवी एक्शन है तो ये अपना मीडियम हैवी है, रॉड बहुत ही हल्का है, आप यहाँ पकड़ने से अंदाजा लगा सकते हैं, ये देखिए बहुत ही लाइट वेट है, बिल्कुल इतनी कम वेट में इतना मजबूत रॉड, तो भाई कमाल का है। यही सभी में के गाइड कर दिया, जो गाइड था बेट कास्टिंग में जो बदलाव किया था गाइड में, इसमें भी गाइड में किया है, बड़ा गाइड करवाए हमने बोल के, फिशाहोलिक वालों ने सुना भी अपना, और गाइड बड़ा करके कास्टिंग में कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी, जब धागा खुलता है तो रिंग बनते हुए जाती है, यानी बड़ा राउंड, तो ये छोटा करता है इसको, फिर ये छोटा करते, फिर वो पहले ही छोटा था इतना, तो दिक्कत होती थी, फिर भी लोगों को बहुत ही पसंद आया रॉड का मजबूती और लाइट वेट के कारण बहुत पसंद आया। और दूसरा इसमें हैंडल बड़ा किए, कास्टिंग करने में आपको दिक्कत नहीं होगी, कितना भी लॉन्ग कास्ट कर सकते हैं, पहले थोड़ा छोटा था तो कास्टिंग करने में दिक्कत होती थी, लेकिन अभी ये सबसे अच्छी बात है ये फिशाहोलिक वालों का कि इस जो भी सारी कमी थी वो दूर करें इन्होंने। तो ये चीज़ें हैं, स्पिनिंग आप बिंदास ले सकते हैं, तो सेम ऐसे ही 8 फीट में है, 24 टन ग्रेफाइट, यानी सेम कार्बन में वही प्रेशर इस्तेमाल हुआ है, और इसमें 9 फीट में, 9 फीट में भी प्रॉब्लम थी, 3 पीस में आया था, 3 पीस के कारण ऊपर का टिप डबल कर दिए थे, तो उस कारण कमजोरियाँ थी उसमें, लेकिन अब ये कमजोरी नहीं रहा क्योंकि ये 2 पीस में है, कैरी करने में और उससे थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा लेगा, लेकिन ये फील आएगा इसमें। अब मैं रोहू पकड़ूंगा, सिंगल हुक में जो खेलता हूँ ना रोहू, वो पकड़ूंगा, गजब का। सारे रॉड में वेट 15 से 20 ग्राम बढ़ा है, थोड़ा सा बड़े रॉड में थोड़ा सा ग्राम ज़्यादा बढ़ा है, छोटे में कम बढ़ा है। इसका रीज़न ये है के गाइड लगाने के कारण एक्स्ट्रा ग्लू लगा है, वेट बढ़ने के कारण, कुछ ग्राम बढ़ने के कारण के गाइड, सिंगल लेग में एक जगह पे ग्लू लगता था, अभी ये 2 जगह पे, और इसमें एक लेयर ज़्यादा चढ़ाया है जो कार्बन है ना, कार्बन का एक लेयर ज़्यादा बढ़ाया है, तो ये इस कारण थोड़ा सा मोटा भी हो गया है, ये ग्लू बढ़ा, मामूली वेट बढ़ा है, जो एक फ्रॉक का वेट आता है उतना ही बढ़ा है, बाकी बहुत गजब का फील है। 9 फीट में जो फरहान भाई की जितना, अगर कोई लंबे लंबे होंगे जिनको खेलने का शौक होगा 9 फीट में, वो बिंदास खेलो, काफ़ी मजा आएगा। तो बहुत राह देख रहे थे सब जन, मैं भी देख रहा था एक्चुअली, और ये 9 फीट तो मैं लेके जाऊंगा रोहू खेलने के लिए। तो ये हो गया रॉड का, मशीन तो आप देख लिए होंगे फरहान भाई। हाँ, चेक कर लिया, मशीन स्मूथ है, मशीन लाइट वेट है, अच्छी मशीन है। हाँ। लेकिन अभी इसका मेन रिव्यू आपको देना पड़ेगा। ठीक है, दे देंगे। इसके साथ में ऑयल और ग्लू है, साथ में ये लुब्रिकेंट है इसका, ऑयल लुब्रिकेंट, अच्छा, और ये ग्रीस है। अगर आप खोल के मशीन की सर्विसिंग करते हैं ना, मशीन को पहले खोल के ना साफ कर लेना है पूरा, उसके बाद ये न्यू ग्रीस न्यू ऑयल, और ऑयल लिमिटेड लगता है, सिर्फ 1 बूंद या 2 बूंद, ज्यादा ऑयल डालने की जरूरत नहीं रहती मशीन में। कितने पार्ट्स है उसमें, सारी चीजें उसमें, जो भी ये रील मंगाएंगे इसको संभाल के रखना आपको, ये पार्ट लिस्ट है, ये पार्ट है, ये सारी चीजें, अगर आपका पार्ट कुछ खराब होता है, यहाँ पे पार्ट में नंबर लिखा हुआ है, आपको पार्ट ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा पार्ट खराब हुआ है, तो फिशाहोलिक वाले को बोलेंगे कि ये पार्ट्स मुझे अवेलेबल करा के दो, या उनके पास होगा भी, मैंने अभी तक बात नहीं किया ये रील के बारे में, इसके पूरे जानकारी लिए बाद में बताऊंगा, लेकिन ये चार्ट का मतलब यही निकलता है कि आपको चार्ट में नंबर मिल जाएगा पार्ट्स के साथ में, वो नंबर में आप जाके उसका नाम देख सकते हो और नाम बोल के आप मंगा सकते हो। सबसे अच्छी बात है कि इन्होंने ये चीज़ करे दिए, बहुत अच्छी बात है ये। अब मशीन को फील लेंगे ज़रा सा, ये देखो ये मशीन आया हाथ में, ये रॉड के साथ में कलर कॉम्बिनेशन गजब का आएगा,
फर्स्ट टाइम रील आया है और इसका टेस्ट करेंगे। कॉम्बिनेशन बहुत गजब का फील है। एक हाथ से कास्टिंग करूंगा मैं। कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी ध्यान रखे उन्होंने, एकदम गजब का सेटअप दिख रहा है। मैं इसको इस्तेमाल करे बाद ही इसके बारे में बताऊँगा। फील बहुत गजब का है, जो साइज होनी चाहिए बेहतरीन साइज है। इससे थोड़ा भी छोटा भी अगर रहता तो भी चलता था, लेकिन परफेक्ट साइज है अपने हाथ में बैठने के हिसाब से। ठीक है, धागा थोड़ा सा ज़्यादा लेगा, छोटे में कम लेता है वो हिसाब से, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा नेक्स्ट टाइम थोड़ा अगर साइज छोटी होगी तो मैं कराऊँगा। लेकिन सबको अलग अलग पसंद है ना, किसी को बड़ा भी चाहिए, तो वो हिसाब से ठीक उन्होंने ये ध्यान रखते हुए बनाए हैं। एवरेज साइज है मुझे कैसा है, छोटा रॉड पसंद है, छोटी मशीनें पसंद है, वो हिसाब से। बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस रहती है, मैं अपना बता रहा हूँ। बाकी ये चीज़ें जब बनाते हैं वो लोग बहुत सारी डिस्कशन बहुत सारी इसका स्पूल भी डीप करे उन्होंने, हाँ, ताकि धागा ज़्यादा, हाँ, दिक्कत रहती है लोगों को कि धागा कम लेता है, वो हिसाब से स्पूल डीप करने के कारण धागा ज़्यादा लेने के कारण साइज थोड़ी बढ़ानी पड़ती है। तो उन्होंने जो भी बनाए होंगे बहुत सोच के बनाए होंगे, डिस्कशन करके बनाए होंगे। मैं अपना बता रहा था राय कि थोड़ा छोटा होना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं, बेहतरीन है। बस इसका ट्रायल लेना बाकी है, ट्रायल लेके आपको बताएंगे जरूर। रॉड का ले चुका हूँ, रॉड का बहुत जने आप पूछते भी हैं। रॉड के बारे में जिनको पता है वो तो जानते ही हैं। अपग्रेड जो होके आया उनके लिए मैं बताइए अपग्रेड होके आया है। और जो नए हैं बहुत जने मतलब हर कमेंट में पूछते हैं कि कौन सा रॉड खेलते हैं कौन सा, तो मैं यही बता देता हूँ, ये डेडली हंट रॉड है। अभी ये न्यू वेरियंट में आया, उससे भी ख़तरनाक है। आप जितना देखते आए ना और सवाल पे सवाल कर रहे थे कि कौन सा रॉड पे खेल रहे हैं, ये उससे भी ख़तरनाक है, डेंजर है समझ लो। उससे अपग्रेड होके आया ये, और भी ख़तरनाक है। तो ये रॉड है डेडली हंट, और ये आपको मिलेगा गैलेक्सी फिशिंग टैकल स्टोर अमरावती। अमरावती सिटी से थोड़ा बाहर है, राठगांव से आगे, और अमरावती का रिंग रोड आके जो नागपुर हाईवे पे मिलता है, टी पॉइंट के सामने जस्ट है। हर बार मैं लोकेशन में बता देता हूँ, और लोकेशन का सबसे आसान तरीका, अगर आपको मैप चलाने आता है तो आप उसमें जाके सर्च करेंगे ना गैलेक्सी फिशिंग टैकल स्टोर अमरावती, उतना लंबा नहीं भी करें तो आपने सिर्फ गैलेक्सी फिशिंग टैकल स्टोर कर दिए या गैलेक्सी फिशिंग भी लिख दिए तो आपको यहाँ का डायरेक्शन मिल जाएगा, जो दुकान में विजिट करना चाहते हैं उनके लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात सभी के लिए जो ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। तो सबसे ज़्यादा लोग डरते हैं कि फ्रॉड, यार हमारे साथ फ्रॉड हो जाएगा, और फ्रॉड हो रहा है। आपका डरने का बराबर है रीज़न, फ्रॉड हो रहा है। कुछ ऑनलाइन वीडियो डालते हैं, एड्रेस मुंबई का बताते हैं, अहमद भाई से बात हुई, उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा है। फ्रॉड इस तरह से हो रहा है कि वीडियो बनाते हैं, वो प्रोडक्ट का वीडियो बनाते हैं, रेट भी कम बताते हैं, और पे करवा के पैसे दे के एड्रेस वेड्रेस सारा चीज़ ले लेते हैं, लेकिन माल भेजते नहीं। अब उसके पीछे लोग पढ़ते हैं, एड्रेस जो रहता है एकदम फ्रॉड है बिल्कुल। अभी आज मेरे को एक केस भेजा है सिर्फ, इतने तो कितने सारे केस हुआ होगा। अहमद भाई ने भेजा है केस, एक व्यापारी ने इनको पे किया है, और जो जिनका नाम आया है फ्रॉड करने वाला वो है MD गुफरान आलम। भाई तेरे से मैं कहना चाहता हूँ, ये बेईमानी का पैसा क्या करेगा तू? तू ईमानदारी से धंधा कर रहे, तेरे को धंधा जब तेरे को मिल रहा ऑर्डर तो ऑर्डर का माल दे देना कहीं से उठा के। तू क्यों करता है ऐसा? तेरे एड्रेस में पहुँच रहा है, एड्रेस मुंबई का मिल नहीं रहा, जो तू दिया है एड्रेस ये काथा बाजार का दिया है, फीसा हॉली वाले को बाजू का एड्रेस है, वहाँ पर कोई दुकान नहीं है। और मैं लोगों से कहना चाहता हूँ, ऐसे लोग आपको वो बनाते रहेंगे तो आप बनिए मत। आप सबसे पहले है ना वेरीफाई कीजिए, बहुत सारे अच्छे अच्छे दुकानदार हैं, बड़े बड़े नाम भी है, कुछ मेरे दोस्त भी बहुत सारे हैं। सबसे पहली बात है कि आप उनका एड्रेस जानिए, आप वेरीफाई कीजिए, आप गूगल में सर्च मारिए जगह कहाँ है। जो अच्छा दुकान वाला रहेगा ना, जिनको बिजनेस करना है, मार्केट करना है, तो वो फ्रॉड नहीं करेगा 2-4-5-10 हज़ार के लिए। आपका 10 हज़ार पचाने के लिए आपका ये दुकान इतनी बड़ी नहीं छोड़ के भागेगा। तो आप वेरीफाई कीजिए, लोकेशन ढूंढिए, सतर्क रहें, और सस्ते के चक्कर में ना जाए और वेरीफाई कर ले। अभी मैं यहाँ का गारंटी ले रहा हूँ, मैं गारंटी देता हूँ, फ्रॉड कभी नहीं होगा। आपको जो चीज़ चाहिए वही चीज़ मिलेगा। हाँ, हालांकि मिस कभी होता है एड्रेस में वगैरह, लेकिन वो भी सारा चीज़ें हम इधर से पता करेंगे, आप उधर से पता करके, चीज़ नहीं मिला ना पता लग जाएगा, लेकिन फ्रॉड नहीं होगा। आपको जो चीज़ मांगेंगे ना वही चीज़ मिलेगा। अगर आपको नहीं मिला उसकी गारंटी हम लेते हैं। अगर आपको कुछ फ्रॉड होता, आपको लगता है कि पार्सल मिल गया और उसमें दूसरा कुछ भरा हुआ था, आप वीडियो बनाए और पार्सल ओपन करते हुए वीडियो बनाए, अगर कुछ आपको गलत निकलता है तो उसकी गारंटी मैं लेता हूँ, खुद मैं लेता हूँ। आपको दूसरा प्रोडक्ट दिया जाएगा या तो रिफंड आपको जगह पर दे दिया जाएगा, लेकिन आप प्रूफ आपको देना पड़ेगा कि नहीं मिला। और अगर बॉक्स डैमेज रहेगा तो मैं वो पोस्ट वाले से भी पता कर सकता हूँ। तकरीबन यहाँ पे गैलेक्सी में सभी प्रकार के माल,
सभी वैरायटी आ चुकी है, सब अभी बहुत सारे चीजें नहीं लगाए, रॉड का अलग बॉक्स इधर है उधर है पूरे भी, और लगाना बाकी है, पूरा भरेगा, जगह कम पड़ रहा है, थोड़ा सा जगह बढ़ाना पड़ेगा पीछे सरका के। तो गैलेक्सी में सारी चीजें अवेलेबल हो चुकी है, गैलेक्सी का कैटलॉग नंबर मैं स्क्रीन में दे दे रहा हूँ, आप जाके नंबर सेव कर लो और गैलेक्सी में जाके हाई करेंगे आपको उसका कैटलॉग का लिंक रिसीव होगा, आप वो लिंक में क्लिक करके जाके कैटलॉग में आप जाके देख सकते हो। और मेरे वीडियो में जब भी कोई चीज़ का बताऊंगा खास, जैसे कि आज मैं रॉड का बता रहा हूं, तो डिस्क्रिप्शन में इसका कैटलॉग का लिंक दे दूंगा डायरेक्ट जाके, आप वो लिंक में जाके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वीडियो के नीचे, कमेंट से पहले ऊपर डिस्क्रिप्शन रहता है उसमें जाके आपको ये लिंक मिलेगा डेडली हंट रॉड का, तो आप जाके उसमें क्लिक करेंगे लिंक में तो आपको वहाँ से डायरेक्ट व्हाट्सएप कैटलॉग में भेज देगा, आप जाके वहाँ से इंक्वायरी कर सकते हैं।